वकील साहब, आज बेटे को गोली लगी है, क्या पूरा मामला है, कहाँ बॉडी मिली है, कोई पुरानी रंजिश भी थी क्या? घर से ये आया था बिजली का बल्ब लेने के लिए, मुझसे 100 रुपए लेकर आया था, पैदल था। और उसके बाद हम बहुत देर से टेलीफोन ट्राई कर रहे थे, ये मिल ही नहीं रहा था। अब दरोगा जी का टेलीफोन गया कि ये बॉडी वहाँ पड़ी है, तब हम भगे हो जाए। हमें कोई जानकारी नहीं, क्या कोई सूचना नहीं मिली आपको? ना मुझे। पुरानी रंजिश भी चल रही थी क्या बेटे की? हाँ, पहले भी इसकी गोली लगी थी, करीब 2 साल पहले। दो साल पहले तो ये करते क्या है आपके बेटे? वकालत ही करता है जी, और मेरे साथ ही रहता है, जब पढ़ रहा था और अब वकालत कर रहा है। सुमित कुमार गुप्ता नाम का एक युवा लड़का है, जिसकी उम्र लगभग 25-26 वर्ष के आसपास थी, और इसके पिता अशोक गुप्ता अधिवक्ता हैं, तहसील में वकालत करते हैं। इनका कहना है कि शाम को 6 बजे के आसपास उनका बेटा घर से बल्ब लेने के लिए निकला। लगभग 8:45 बजे के आसपास इन्हें सूचना मिली, और उस आधार पर इन्होंने एक तहरीर दी है बनाम अज्ञात। जो प्राथमिक छानबीन से बात निकल के आ रही है कि आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व इस लड़के को गोली अलीगढ़ बॉर्डर पर मारी गई थी। उसमें जो अभियुक्त, उस समय भी अभियोग जो है बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। बाद में इसी लड़के ने, जो मृतक है, शिनाख्त के आधार पर दीपक पुत्र धर्मपाल नाम के एक व्यक्ति को उसमें प्रकाश में लाया गया। इसकी शिनाख्त के आधार पर वो अभियुक्त जेल गया और बाद में हाईकोर्ट से बेल आउट हुआ। और इन्हें काफी कुछ आशंका उसी को लेके है। उस प्रकरण में भी कोई ऐसी रंजिश अब तक बहुत महत्वपूर्ण नहीं निकल के आई है। उसमें इनका ये कहना है कि जिस लड़के ने गोली मारी थी, उसके पिता ने एक मुकदमा किया था तहसील में, जिसमें पैरवी वकील साहब कर रहे थे इसके पिता। और उस प्रकरण में इन्होंने करीब 40-50 हजार रुपये उससे लिए थे, वो केस हार गए थे। तो इनको ये आशंका है कि उसी वजह से प्रतिशोध में उसने इनके बेटे को गोली मारी थी। फिलहाल सभी पहलुओं पर बहुत गहराई के साथ हम लोग छानबीन कर रहे हैं, और काफी कुछ सुराग भी मिला है घटना के बाद और घटना के क्रम के संबंध में, और बहुत जल्दी हम लोग इसको वर्कआउट कर लेंगे।